I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. What's up everybody, this is Shahzeb Ashraf and welcome to yet another vlog of Hunza series. जिन लोगों ने अभी तक Hunza सीरीज़ के पहली वीडियोस नहीं देखी वो यहाँ ऊपर मैं लिंक दे दूँगा, ऊपर जाके आप देख सकते हैं। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वेलकम बैक। और आज का जो हम लोग का प्लान है Hunza में जिन जगहों पे जाने का वो है अताबाद लेक, उसके बाद आपका सस्पेंशन ब्रिज और आपकी जो है पसलूकॉन्स। तो अब इनका ऑर्डर मुझे नहीं पता कि हम लोग पहले किस तरह जाएँगे, बट इन सारी जगहों को कवर करना है। अच्छा, और जहाँ तक बात है जैसे मैंने बताया था कि मैं एक्सपेंसेस बताऊँगा आज के इस ट्रिप के, जो यहाँ इन सब जगहों पे जाने के ये हम लोग को लग रहे हैं, प्राइवेट जो कार है हम लोग की और उसमें लग रहे हैं हम लोग को 8000 रुपीज़। सो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पैकिंग करके और निकलते हैं यहाँ से, और आपको फिर हम लोग मिलते हैं रास्ते में। तब तक आप लोग राकापुशी एंजॉय करें। अच्छा जी, तो अभी हम लोग निकल गए हैं पसलूकॉन्स वगैरह की तरफ। अच्छा, रास्ते में हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोग जो है कल, क्योंकि हम लोग को निकलने का इरादा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ रास्ते से पहले टिकट करवा लेते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह के टाइम पे टिकट्स आप करवाते हैं वरना ऑफिस बंद हो जाते हैं। जब लोग फैसल मूवर पर पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि जी लैंड स्लाइडिंग वगैरह की वजह से 1-2 दिन के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, और बाकी भी 2-3 हम लोगों ने बस स्टॉप्स पता किया। तो फिर उसके बाद खैर गवर्नमेंट हम लोग गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे कोरोना की वजह से उन्होंने बंद किया। बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो वापसी का आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा प्लान करना चाहिए। अब मैं बाय चांस फिर मैंने जो यहाँ पर ये ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं उनसे बाय एयर गिलगित की बाय चांस हम लोग की फ़्लाइट थी तो उन्होंने करा दी। तो लेकिन अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो ये याद रखिए कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह के इशूज़ होते हैं, तो आप लोगों ने पहले से कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। अगर आपने टिकट करा भी लिया होगा ना वापसी का, अगर लैंड स्लाइडिंग हुई भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं होगी ना, बारिश। अच्छा हाँ, ये बारिशों के दिनों में वैसे होती है, तो बस ये एक चीज़ है। अब बाकी है कि ये बताने का मकसद ये है कि कहीं मिसहैप होने से बेहतर है कि आप लोग को हर चीज़, जब आप लोग इस जगह पर आ रहे हो तो आपको हर चीज़ का पता हो, ताकि आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हो कि अच्छा अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग 1-2 दिन का आप मार्जिन रख कर आए। तो खैर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पसलूकॉन्स की तरफ, और पसलूकॉन्स पे मिल के आप पहुँच के आप लोग को मिलते हैं। तब तक आप यहाँ के सिनेमैटिक व्यूज़ एंजॉय करें। थोड़ी देर के लिए मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन शुक्र अब टिकट्स वगैरह हो गए तो अब जो है हम लोग एंजॉय कर पाएंगे रास्ते को। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था, ताकि आप लोग अगर इस तरह कुछ मसला होगा तो फिर आप लोग वो एंजॉय नहीं कर पाओगे सही से। तो एनीवेज, तो अब हम लोग यहाँ के सिनेमैटिक व्यूज़ एंजॉय करते हैं, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें, और उसके बाद हम लोगों से मिलते हैं पसलूकॉन्स पे। या हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले अताबाद टनल। अच्छा, अताबाद टनल, अताबाद लेक। अच्छा, सबसे पहले अताबाद टनल और फिर अताबाद लेक। अच्छा, अताबाद टनल की कोई हिस्ट्री या कुछ है कि कैसे बना? क्या बिल्कुल इस तरह है, अगर आप चाहें तो मैं वहाँ मूवी की शक्ल में आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। बस चले फिर हम लोग वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं और उसकी सारी डिटेल लेते हैं। ओके जी, अभी हम लोग जिस एरिया में आ गए, ये आप लोग को सामने पहाड़ नज़र आ रही है जो टूटा हुआ नज़र आ रही है। ये सारा पहाड़ जो था ये जो है वो टूट गया था, और वो नीचे जो है स्लाइड होके नीचे आया और पानी सारा जमा हो गई। तो यहाँ पर अताबाद लेक बनी हुई। तो अभी जिन जगहों पे हम लोग जा रहे हैं अताबाद लेक, ये अभी तो खूबसूरत है लेकिन इसके पीछे अच्छी खासी एक ट्रेजिडी है, और पूरा गाँव का गाँव जो है वो इसके अंदर डूब गया था। हम लोग आगे पहुँच के और आपको डिटेल देते हैं। और ये यहाँ से भी हम लोग का स्टार्ट होगा अताबाद टनल, और यहाँ से झील तो अभी इसके बाद नजर आएगी। ये टनल का एंट्रेंस। अच्छा, ये टनल है, ये जो है बेसिकली ये जो रोड है ये सी पैक के लिए रोड है। इस रोड का नाम क्या था? कराकोरम हाईवे। कराकोरम हाईवे। और ये जो टनल इन्होंने बनाई है ये पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चाइना वालों ने बनाई है, और ये यहाँ पर अंदर सारा वेंटिलेशन का भी निज़ाम अलग है, और जो भी यानी कि इंटरनेशनल पार्किंग, और अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो भी उसकी सर्विस इनको अगर कोई कॉल वगैरह करके बुलाते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि ये जो टनल बनाई है, एक तो पहली बात तो ये पहाड़ काट के अंदर से बनाई है और चाइना वालों ने बनाई है, और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर है। हम लोग का स्वीकार चाइना वालों ने इसीलिए ऊपर लिखा हुआ भी है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 2। कितनी टनल है? 4 है, 5 टनल है। और सबसे बड़ी जो टनल है वो कौन से नंबर वाली? ये नंबर 2। अच्छा, ये जो टनल है इसका कोई वो पता है वो कितने मतलब किलोमीटर है कितना? ये टनल टोटल मैं अंदाजे से बता सकता हूँ 3 से 4 किलोमीटर। अच्छा, तो ये अलग अलग बने हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। और ये सारा जो है वो एक मशीन आती है वो पहाड़ को काट काट के ये ऊपर जो देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए रखे हुए फोम वगैरह के। और ये अंदर साइडों पे इन्होंने चीजें भी रखी हुई जो मेरे ख्याल से फायर एक्सटिंग्विशर और कर सकते हैं गाड़ी ये कार पार्किंग के लिए। बिल्कुल, ये उस तरफ उनके लिए। और आप ये साइड पे बोर्ड देख रहे हैं ये इसमें लिखा हुआ है ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे हुए डिफरेंट और फोन वगैरह भी उसके ऊपर लगे हुए। ये फोन का लगा हुआ है कि आप यहाँ से फोन करेंगे और वो हो जाएगा। तो ये भी जो है एक चाइना की मेहरबानी हम लोगों पे। और ये टनल बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, गाड़ी हिलाए बगैर एंड कर सकते हैं ये टनल। अगले टनल छोटा, उससे अगले टनल में 3 मोड़ है। ओके जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं अत्ताबाद लेक और ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी जो स्टोरी है वो हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त अत्ताबाद लेक पे खड़े हैं। ये 4 जनवरी 2010 को इस पहाड़ की गिरने से और ये इंडस रिवर दरियाई सिंध जो खुजरा टॉप से आता है वो पानी को रोक के आगे ये सारा एरिया भर गया और ये पानी 35 किलोमीटर तक खड़ा हो गया। इसकी वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से इसका जो कराकोरम हाईवे का ओरिजिनल जो रोड था बिल्कुल नीचे से था। इस वाटर लेवल के ऊपर आने की वजह से इस रोड बंद हो गया। फिर चाइनीज़ और पाकिस्तान के हमारे हुक्मरानों ने अल्टरनेट इसी पहाड़ को काट के अंदर से टनल बनाया। इसमें ये पहला टनल छोटा है, उसके बाद लंबा टनल, उसके बाद फिर एक छोटा टनल, उसके बाद लंबा टनल, फिर एक छोटा टनल, 5 टनल है इधर। तो इसकी जो पानी है अभी ये 35 किलोमीटर से दोबारा कम हो के आगे यहाँ अभी 6 किलोमीटर तक रह गया है। अच्छा, यानी कि अब आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इसका जो होटल वाला एरिया है और बोटिंग वगैरह सिस्टम वो आगे है, इंशाल्लाह हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक, तो बाकी पीछे ये जो स्लाइडिंग एरिया है सामने जो नज़र आता है ये एक बहुत बड़ा गाँव था, यहाँ इबादत गाह भी और आवाम का रहाइशाहें भी थी। तो वो सारा तबाह हो गया और इसमें बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग सब मिला के तकरीबन 12 से 13 कैजुअल्टीज हुए हैं, 12-13 बंदे। और उनको उसमें डिज़ास्टर के टाइम पे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो सेंटर अलीआबाद के वॉलंटियर्स ने उनको उठा के वहाँ पे ज़मीन का हवाला किया, डेड बॉडी को वहाँ दफनाया गया। तो अभी नीचे वो गाँव की वो चीज़ें वगैरह हैं अभी वो ख़त्म हो क्या अंदर लगी हुई है। और ये जो रोड सामने से आ रहा है ये रोड सा था ये नहीं, वो वहाँ से बोटिंग होती थी उस शुरू में। अच्छा, जब ये नहीं था। अच्छा अच्छा, ये आर्जी तौर पर रोड बनाया था, उसके लेवल और नीचे हम कई दफ़ा इधर नीचे से गुजरे हैं। वो रोड अभी ख़त्म हो चुका है। इसकी डेप्थ तकरीबन 300 फुट से ज़्यादा है इस एरिया में। अच्छा, तो ये अभी कितने साल तक ये क्योंकि मसनूई झील है ना ये ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो नहीं हो जाएगी। उसकी एक वजह ये है कि अभी इस एरिया में गवर्नमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, तो सुनने में आया इमरान खान आ रहे थे तो ये वेदर की वजह से वो नहीं आ सके। और अभी ऐलान करने वाले हैं कोई 40-50 मेगावाट का पावर हाउस बनेगा। अच्छा अच्छा, उसके बनने से ये होगा कि ये ख़त्म नहीं होगी, इसको प्रॉपर डैम बनेगा और उसमें वाश सिस्टम होगा। अगर सिल्ट अप हो गया, सिल्ट ज़्यादा आ गया तो वाश करेंगे, लेकिन ये वही रहेगा। चलिए फिर हम लोग इसके बाद आगे आप लोग को दिखाते हैं इसका जो बोटिंग एरिया वगैरह है। तब तक यहाँ के थोड़े से आप सिनेमैटिक व्यूज़ एंजॉय करें और फिर आपसे आगे मिलते हैं बोटिंग एरिया में। और ये आप लोगों का अत्ताबाद की जो बोटिंग साइट है ये उस जगह का। यहाँ से आप टनल नंबर 5 से जब निकलते हैं वो जो टनल नज़र आ रही है सामने से, उसके सामने एक ब्रिज बनाया है इन लोगों ने और फिर ब्रिज के थोड़ा सा आगे ही जाते हैं तो आपको ये बोटिंग एरिया नज़र आ जाता है। यहाँ पे थोड़े बहुत होटल्स वगैरह भी हैं, अब और भी बन रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग रह सकते हैं। और ये यहाँ पर कैंपिंग पॉट्स बने हुए, बड़ी मज़ेदार मुझे लोकेशन नज़र आई है। यहाँ पे आप कैंप्स और वो सामने से ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप रात को सो रहे हैं इस झील के नज़ारे के साथ सुबह उठेंगे तो आपकी आँखें कुछ इस व्यू के सामने खुलेंगे। ओके एवरीवन, दिस इज मी शाहज़ेब अशरफ वंस अगेन एंड वी आर एट Attabad Lake and I'm here with Steve and Ivana. You guys know them because they are from Jetlag Warriors YouTube channel. They are not like my small YouTube channel. They are like kind of a big deal. Right now, you are not vlogging, as you just told me. So you guys, you know, just traveling Hunza and other valleys. Which places you guys? We just came from Shimshal. Okay. Which is like one of my favorites. Mm-hmm. Absolutely recommend Shimshal. Okay, and you guys are like traveling on local buses, or how you guys are traveling over here? Usually we have a driver. Sometimes from a tour company take us around. Yeah, okay. Or just kind of going with the flow. We just hitchhike from the. We just hitchhiked from the viewpoint. Okay, and which viewpoint? It's called Snow Leopard Trail. Oh, okay. Would recommend. It's really beautiful up there. That's really good. With a thumb out, and the first car picked us up, drove us here. Awesome. And subscribe to them. They have a lot of subscribers, but do subscribe to them. Make sure you subscribe to our friend's channel and give this video a thumbs up. ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफीज़ वगैरह कर ली हैं और बोट जो है, बोट्स का सीन थोड़ा सा बैड इस तरह है कि आपको पूरी बोट बुक करानी पड़ेगी। तो ये 4-seater 8-seater है जो कि आई थिंक 3500 समथिंग की है। जेट स्की मैंने यूज़ की, जेट स्की पे जिस तरह के हालात थे, मोबाइल गिरने से बेहतर था कि मैंने उसे अपने बचाने की कोशिश की। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। आई थिंक कोई या तो पहले पशुगोन जाएंगी या ब्रिज आएगा, तो जो भी चीज़ पहले आती है पहले आपको दिखाते। तो ये था अभी तक का Attabad Lake। से हम लोग बल्कि मैं फ्रंट से दिखा दूँ। ओके, अब यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। अच्छा, इस सीरीज़ में मैं एक वर्चुअल टूर नाम की वीडियो भी बना रहा हूँ जो कि काफ़ी लंबी होगी, ताकि जो लोग VR वगैरह पहन के या कुछ इस तरह करके कोई देखना चाह रहे हैं तो वो पूरा उसको जर्नी दिखाएंगे हम लोग। तो वो भी मस्ट वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छी लगे तो मैं इस तरह की और ज़्यादा बनाया करूँगा। उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड एक कैमरा ले लेंगे जो कि पूरा जो भी हम लोग कर रहे होंगे वो लाइव दिखा रहा होगा, ताकि आप लोग को एक वर्चुअल टूर सा आपको फील हो सके। तो चले, ये था अभी तक का Attabad Lake और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज़ मी शाहज़ेब अशरफ फ्रॉम प्रेजेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि मेरे पास वर्जन को ये नहीं पता था कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए जो आगे की जर्नी थी वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाने का कह रहा था। लेकिन अब हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इफ़ यू लाइक द व्लॉग काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगले व्लॉग की थोड़ी सी झलकियाँ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, और क्योंकि वो एक ख़तरनाक किस्म के एक ब्रिज के बारे में होने वाली है। तो इस ब्रिज के बारे में, इस ब्रिज की हिस्ट्री जानने के लिए अगर आप लोग क्यूरियस हैं तो आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। सो टिल देन, दिस इज़ मी शाहज़ेब अशरफ साइनिंग ऑफ।